नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है करेले बनाने की। आज हमने जो ये करेले बनाए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं, लेकिन बिल्कुल ही अलग इनका टेस्ट आने वाला है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप करेलों को बना के अच्छे से ठंडा करके फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप पूरी पराठे या दाल चावल के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने 500 ग्राम करेले और इनको मैंने दो बार अच्छे से धो लिया है। तो अब इनके दोनों साइड से हम थोड़ा सा इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और मैं करेले काटने का आपको तरीका दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें ये राउंड शेप में कट करना है और थोड़े से मोटे पीस कट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको मोटाई दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हम अपने सारे करेले कट करके तैयार कर लेंगे। करेले काटने के बाद हमें एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब इन करेलों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। और इस तरह से नमक डालने के बाद हम करेलों में रगड़ देंगे, जिससे जो भी इनका कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। जब भी आप करेले बनाएं तो थोड़ा सा नमक लगा के उनको जरूर रखें। तो ये देखिए, सारे करेलों में हमने इस तरह से नमक लगा दिया। तो अब हम इनको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इस बोल को धूप में भी रख सकते हैं, जिससे कि जो करेले हैं जल्दी से पानी छोड़ देंगे और इनका कड़वापन निकल जाएगा। 1 घंटे के लगभग हो गया है हमने जो नमक लगा के करेले रखे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इन्होंने पानी छोड़ दिया है, जिससे कि इनका कड़वापन पूरा निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2-3 बार इसको अच्छे से हम रगड़ते हुए धो लेंगे। हमने 2-3 बार इसको साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रेनर ले लिया है। इन करेलों को हम इस स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे, जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब हमने ले लिया है एक मिक्सी जार। यहाँ पर मैंने ये एक टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो हम डाल देंगे। 2 हमने हरी मिर्च ली है, वो हम डाल देते हैं। मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। 8 से 10 हमने लहसुन की कली ली है, वो हम डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो खाली अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च ये पीस के तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हमने ले लिया है मिक्सिंग बोल और इसमें हम डाल देंगे करेले। अभी करेलों में नमी बनी हुई है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये पेस्ट बना के तैयार किया है। इसको ऐड करने से करेलों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। 1/2 चम्मच के लगभग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। और साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। ये स्मोक मस्टर्ड ऑयल है, यानी सरसों के तेल को हमने पहले ही गर्म करके और ठंडा कर लिया था। तो अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि करेलों में हल्की सी नमी है तो सारी चीजें अच्छे से कोट हो जाएंगी। हम इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने बेसन और चावल का आटा लिया है वो अच्छे से कोट हो रहा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चावल का आटा और बेसन अच्छे से कोट हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पर रख दी है हमने एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो थोड़े थोड़े करेले डालते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और हल्का सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि एकदम हमारे ये कुरकुरे करेले बन के तैयार होंगे और इनका जो कड़वापन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक बार में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। इनको हम एक साइड फ्राई होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको हम अलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा भी हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होने लगा है, और हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए करेले हमने दोनों साइड अलटते पलटते हुए हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लिए हैं। इस तरह से जो हमारे करेलों का कड़वापन है वो भी कम हो जाएगा और ये पक भी जाएंगे। तो अब हम इनको थोड़ा सा इस तरह से कढ़ाई पर किनारे पर रोकते हुए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसी तरह से हम अपने बाकी बचे हुए करेले भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपने सारे करेले ये फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 2 कच्चे आम, क्योंकि आजकल कच्चे आम का सीजन है और मार्केट में कच्चे आम खूब मिल रहे हैं। तो अगर हो सके तो आप इस रेसिपी में कच्चे आम का ही यूज करें। वैसे अगर आपको कच्चे आम न मिले तो आप इसमें आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इन कच्चे आमों को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से जब आप करेले बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही टेस्टी ये करेले बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कच्चा आम भी कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। करेले फ्राई करने के बाद अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल और डाल देते हैं और इसको गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो यहाँ पर ली है मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। ये देखिए करेले जब भी आप बनाएं तो उनको सौंफ में ही छौंकें, जिससे कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर ली है हमने 1 हरी मिर्च, उसको बारीक कट कर लिया है, तो वो हम डाल देते हैं, फ्राई कर लेंगे। अब हमने ली है यहाँ पर 2 प्याज, इनको इस तरह से हमने लंबाई में कट कर लिया है। इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो अब हमने जो ये कच्चा आम लिया था इसको भी हम डाल देते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेलों में कच्चा आम ऐड करने से, क्योंकि ये सीजन की चीज़ है। मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं करेलों में, तो हमें ध्यान से ही नमक ऐड करना है। साथ में ही लिया है मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। और मिक्स करते हुए हम 1 से 2 मिनट इसे और कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि जो हमारा ये कच्चा आम है ये कुक हो जाए। उसके बाद हम इसमें करेले ऐड करेंगे। आम डालने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लिया है, जिससे आप देखेंगे कि जो हमारा आम था वो पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो करेले हमने फ्राई करके तैयार किए थे उनको। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गैस की फ्लेम को अभी हम लो रखेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है करेलों में से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और बीच में हम इसको 1-2 बार पलटते रहेंगे, जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है वो करेले में अच्छे से आ जाए। 2 से 3 मिनट के लगभग हो गए हैं करेलों को पकते हुए। हम इसको बीच में 1-2 बार पलटते रहे हैं, तो देखने से ही पता पड़ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया हमारे ये करेले बनके तैयार हुए हैं। बहुत अच्छी सी इनमें से खुशबू आ रही है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ये गर्मा गर्म करेले आप पूरी पराठे के साथ सर्व करें, दाल चावल के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को 1 बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।